सब्सक्राइब करें अपने चैनल को और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे करें और पाएं सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस को। हेलो माइनर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपनी यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज के अपने वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक जो है एक्सप्लोरर एंड इट्स टाइप, और ये जो वीडियो है का मांग जो है हमारे एक मेंबर ने किया है, तो उनके मांग पे ये जो वीडियो मैं डिटेल्स आपको शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम व्हाट इज एक्सप्लोरर को डील करेंगे, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ एक्सप्लोरर, डिस्क्रिप्शन ऑफ इच, एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो होते हैं उसको साथ में डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्सप्लोरर क्या होता है, और उसके जानने से पहले हम लोग एक पॉइंट को जान लेते हैं कि हम लोग एक्सप्लोरर यूज करते हैं। तो एक्सप्लोरर क्या होता है, उसको यूज़ करने से पहले मतलब उसकी सेफ्टी जो चीज़ है उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग इज अ सेफर, क्विकर एंड द मोर कन्वीनियंट देन द ऑर्डिनरी फ्यूज फायरिंग बाय द फ्लेम और इग्निशन, एज इट प्रोवाइड्स अ सेफ्टी टू द शॉर्ट फायरर एंड हिज हेल्पर्स। इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग क्या होता है कि जब भी किसी एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करना होता है तो ये बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही सेफर होता है। क्या? इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग। और इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग करने से हम लोग क्या होता है कि जो फ्लेम जो हम लोग यूज करते हैं उससे आग लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, सेफ्टी हो जाता है, ठीक है। उसके साथ में टैपिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द लाइटिंग और द सिग्नलिंग लाइंस इज नॉट परमिटेड बाय द रेगुलेशन। और क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पावर जो है हम लोग इग्निशन के लिए या सिग्नलिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी डेटोनेटर को ब्लास्ट करने के लिए, हमारा रेगुलेशन जो है उसको परमिशन नहीं देता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि एक्सप्लोरर होता क्या है। द पोर्टेबल अपरेटस विच प्रोवाइड्स द करेंट नेसेसरी फॉर द फायरिंग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर इज कॉल्ड एन एक्सप्लोरर। तो पोर्टेबल अपरेटस जो हम लोग क्या करता है, करेंट नेसेसरी, जो नेसेसरी करेंट है वो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक डेटोनेटर को एक्सप्लोर करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरर कहते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके टाइप्स को देखते हैं। एक्सप्लोरर के मेनी टाइप्स होते हैं, बट हम लोग के इंडिया में जो टाइप्स ऑफ एक्सप्लोरर यूज किया जाता है वो तीन तरह के होते हैं। पहला जो है हमारा वो है मैग्नेटो और डायनमो एक्सप्लोरर, दूसरा है बैटरी कंडेंसर एक्सप्लोरर, और तीसरा जो है कंडेंसर डायनमो। ये तीनों टाइप्स के एक्सप्लोरर हमारा क्या होता है, उपयोग किया जाता है इंडियन के माइंस में। ये अंडरग्राउंड के लिए है। ये मैग्नेटो और डायनमो एक्सप्लोरर टाइप का जो होता है वो अभी हमारे प्रयोग में या उपयोग यूजफुल अभी नहीं है, ये अभी लगभग क्या ना के बराबर यूज किया था, पर ये दो टाइप के एक्सप्लोरर जो है हमारा यूज किया था, बैटरी कंडेंसर एक्सप्लोरर एंड द कंडेंसर डायनमो एक्सप्लोरर। ये दो तरह के एक्सप्लोरर माइंस में अभी उपयोग किए जाते हैं। तो चलिए इनका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटो और डायनमो एक्सप्लोरर को डील करते हैं। द मैग्नेटो एक्सप्लोरर कंसिस्ट ऑफ एसेंशियल ऑफ द परमानेंट स्टील मैग्नेट। मैग्नेटो एक्सप्लोरर क्यों इसका नाम पड़ा है, तो ज़्यादा सी बात है इसमें मैग्नेट होगा, इसमें क्या परमानेंट स्टील मैग्नेट क्या होता है उपयोग किया जाता है। विद इन द पोल्स विच रिवॉल्व्स द आर्मेचर रोटेटेड थ्रू द गियरिंग बाय द रोटेटिंग हैंडल और बाय द रैक एंड द पिनियन। यहाँ पे क्या साइड में एक हैंडल होता है पिछले साइड में, वो क्या उसको रोटेट करके हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक या मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करते हैं चेंजेस लाते हैं हमारा जो कॉयल है उसके अंदर में। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें डिटेलिंग क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, और वो जब हम चेंजेस लाते हैं किसी कॉयल में या मैग्नेट में तो उससे क्या होता है करंट प्रोड्यूस होता है, और उसी करंट को हम लोग क्या करते हैं किसी भी डिटोनेटर को एक्सप्लोड करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो टर्मिनल्स है, और इसमें एक ग्लोब बल्ब भी होता है जो कि आप बताता है कि ये चार्ज हो चुका है। उसके बाद हमारा एक पिन होता है जो एक बोलते की होता है, उसको लगाकर घुमाने से क्या होता है वो हमारा एक्सप्लोरर करेंट प्रोड्यूस कर देता है डेटोनेट को ब्लास्ट होने के लिए। द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द स्पीड एंड विच इज द आर्मेचर रिवॉल्व। तो वैल्यू ऑफ द जो वोल्टेज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आर्मेचर को कितना स्पीड हम लोग घुमाते हैं, और एंड द फ्लक्स क्रिएटेड बाय द मैग्नेट्स। जैसा मैंने बताया कि मैग्नेट्स में हम लोग जो फ्लक्स चेंजेस लाते हैं जो क्रिएट करते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। और लो टेंशन एक्सप्लोरर गिव द वोल्टेज अबाउट द 15 वोल्ट्स, ठीक है। यह लो टेंशन एक्सप्लोरर कितना होता है 15 वोल्ट्स प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद हाई टेंशन एक्सप्लोरर हो क्या करता है 125 वोल्ट तक 125 वोल्ट्स तक क्या करता है प्रोड्यूस करता है। द मैग्नेटो एक्सप्लोरर फायर्स ओनली 1 to 2 शॉट्स। एक मैग्नेटो एक्सप्लोरर जो होता है वो क्या करता है 1 to 2 शॉट्स क्या करता है वो फायर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उसके साथ में क्या
टाइम एंड विद द सिंगल शॉट एक्सप्लोरर एंड अप टू सिक्स शॉट्स विद द सीरीज एंड द सिक्स शॉट एक्सप्लोरर। तो ये दो टाइप का हो गया, एक सिंपल सिंगल शॉट वाला और क्या है सिक्स शॉट्स वाला। तो ये दोनों टाइप का यूज किया था मैग्नेटो एक्सप्लोरर एंड द एक्सप्लोरर फॉर द अंडरग्राउंड कोल माइंस शुड बी इंट्रेंसिकली सेफ। तो एक रेगुलेशन भी है हमारा कि माइंस में जितने भी अंडरग्राउंड में ये जो एक्सप्लोरर होगा क्या होगा इंट्रेंसिकली सेफ होता है। एंड आर्मेचर इज एक्चुएटेड बाय द स्पेशल ट्विस्ट एक्शन डिटैचेबल की विच शुड ऑलवेज बी विद द शॉट फायर। और उसके बाद क्या डिटैचेबल मतलब एक जो हमारा जो एक्सप्लोरर है आर्मेचर के पास लगा होता है जो रोटेट करता है वो हमेशा एक शॉट फायर के पास में ही होता है। ठीक है, वो की हमेशा शॉट फायर किसी और के पास में नहीं होता। ये भी एक रेगुलेशन है कि इसका की जो होता है जो भी एक्सप्लोरर होता है उसका की हमारे शॉट फायर के पास हो ना कि हेल्पर के पास ना अदर किसी के पास में नहीं होता है। सिर्फ किसके पास होता है ये हमारा शॉट फायर के पास में होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है बैटरी कंडेंसर एक्सप्लोरर। ये भी एक डिफरेंट टाइप का एक्सप्लोरर है जिसमें बैटरी और कंडेंसर होता है जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है। चलिए इसको देखते हैं। द करेंट इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम अ बैटरी ऑफ फोर और मोर ड्राई प्राइमरी सेल कनेक्टेड इन द सीरीज इज गिविंग द EMF ऑफ द 1.5 वोल्ट पर सेल। मतलब कि इसके अंदर में क्या होता है बैटरी लगा होता है फोर भी होता है और कभी कभी सिक्स भी होता है टाइप्स पे डिपेंड करता है। और एक बैटरी जो है इसका MF ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं वो क्या होता है 1.5 वोल्ट पर सेल का होता है। इट ऑपरेटेड बाय द डिटैचेबल की। ये भी डिटैचेबल की के द्वारा ही क्या करता है ऑपरेट होता है। एंड रोटेशन ऑफ द हैंडल थ्रू द हाफ रेवोल्यूशन फर्स्ट विंड्स ऑफ द टाइम स्विच अगेंस्ट द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग एंड देन ट्रिप्स द मैकेनिज्म विच इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर सो एज द बैटरी इज कनेक्टेड टू द कंडेंसर। मीन्स क्या है कि एक रिवर्सनली की होता है हैंडल होता है इसको क्या करता है एक हम लोग स्प्रिंग से वो अटैच्ड होता है वो क्या करता है उसको जब हम लोग रिवॉल्व करते घुमाते हैं तो वो जा करके बैटरी जो है कंडेंसर से क्या टच होता है और वो कंडेंसर क्या होता है हमारा चार्ज होता है या फिर उस पर एनर्जी स्टोर हो जाता है। ये सारी चीज़ होता है और इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं हम लोग और इसको घुमाने के लिए तो स्प्रिंग मैकेनिज्म सिस्टम होता है इसमें ऑटोमेटिकली वो टच करके वापस वो चार्ज होने के बाद अब वापस आ जाता है। और ये हमारे पास ये देख रखते हैं ये जो टर्मिनल है यहाँ पे ये टर्मिनल जिसमें कनेक्टेड होता है ये वाला और ये ग्लो हो जाता है जब ये चार्ज होता है तो इस टर्मिनल से हम लोग तो अपना ये डेटोनेटर कनेक्ट कर लेते हैं और जब ये हम लोग इसको रोटेट कर देते हैं तो ये ग्लो करता है। यहाँ पे की रखा हुआ है आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है और प्री डिटरमाइंड इंटरवल ऑफ टाइम इसको हम लोग पहले से डिटरमाइन किया था उस स्मॉल ऑफ फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको घुमा कर रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द राइनो एक्सप्लोरर इज इन द मार्केट इज एग्जांपल ऑफ द बैटरी कंडेंसर एक्सप्लोरर। एक राइनो टाइप जो है एक्सप्लोरर है एक कंपनी जो इसको प्रोवाइड करती है इसको हम बैटरी कंडेंसर एक्सप्लोरर मार्केट में अभी चलता है अभी माइंस में यूज होता है। और जो है इट इज़ अ बैटरी ऑपरेटेड कंडेंसर डिस्चार्ज टाइप का एक्सप्लोरर। ये क्या होता है बैटरी ऑपरेटेड मतलब क्या इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है बैटरी से और कंडेंसर ऑपरेटेड कंडेंसर डिस्चार्ज मतलब कि जब इसको बैटरी से टच करते हैं कंडेंसर चार्ज होता है उसके बाद हम लोग जब बैटरी को घुमाते हैं तो क्या करता है ये डिस्चार्ज होता है जो हमारा जो डेटोनेटर उसको क्या करता है एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद क्या है ऑफ द फायरिंग अप टू थ्री शॉट्स एट अ टाइम इन द राइनो थ्री मॉडल। ठीक है, थ्री शॉट है राइनो थ्री एंड अप टू 25 विद द राइनो 25। ठीक है, राइनो 25 टाइप का भी एक्सप्लोरर होता है जो कि 25 शॉट्स को एक्सप्लोर कर सकता है। एंड व्हेन यूजिंग द एक्सप्लोरर द टू वायर्स ऑफ द शॉट फायरिंग केबल कनेक्टेड टर्मिनल जैसा मैंने बताया कि टू टर्मिनल्स होता है वो कनेक्ट करते हैं हम लोग जैसा कि हम फिगर में बताया मैंने ये देखो दो टर्मिनल है इसको हम लोग क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं डेटोनेटर के टर्मिनल से एंड इंसर्ट की रोटेट वन स्टेप क्लॉकवाइज। इसको यूज करने का जो हमारा जो फंक्शन है इसको ऑपरेट करने का पहला है क्या कि हम लोग टर्मिनल्स को कनेक्ट कर लेंगे उसके बाद में क्या करेंगे कि की को एंटी क्लॉकवाइज सॉरी वन स्टेप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। द एक्शन चार्ज द 150 माइक्रोफैराड इलेक्ट्रॉनिक कंडेंसर एंड स्मॉल नियॉन लैंप क्लोज। मतलब क्या होता है कि जब हम लोग इसको चार्ज मतलब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या करता है कि 1 माइक्रोफैराड का जो कंडेंसर है वो चार्ज होता है और नियॉन लैंप जो होता है ऊपर में जैसे मैंने बताया था दिस वन ये ग्लो करने लगता है यहाँ पे जो लगा हुआ है वो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है क्या करना होता है हमको टू फायर जब हम लोग फायर करना होता है हम उसको एंटी क्लॉकवाइज इसको क्या करते हैं फिर घुमाते हैं ऑफ पोजीशन में। दस एक्शन एक्सप्लोर डिटोनेटर ऑल्सो डिस्चार्ज द रेसिडुअल चार्ज इन स्ट्रिक्टली इन द राइनो 25 करेंट 1.5 एम्पीयर्स इन
एंड इनपुट डीसी 6 वोल्ट एंड आउटपुट डीसी क्या होता है 600। तो इसमें क्या होता है कि ये जब हम लोग इसको इस ये एक्शन को जब करते हैं तो ये करता है टोटल जितना भी चार्ज होता है कंडेंसर में वो क्या करता है टोटली चार्ज को वो भेज देता है डेटोनेटर्स में और बाकी जो चार्ज बचा होता है वो क्या करता है इसको डिस्चार्ज करने में लग जाता है डिस्चार्ज कर दिया जाता है ये जो हम लोग जो ये जो हमारा जो ये ऑपरेशन है ये जो स्टेप है इसमें ठीक है। और इसमें क्या टोटल करंट जो होता है 1.5 एम्पीयर होता है डीसी वोल्ट जो होता है 6 एम्पीयर जो इनपुट हम लोग इसमें बैटरी जो लगाते हैं 6 वोल्ट और कभी कभी ये 9 वोल्ट का भी होता है इसके टाइप पे डिपेंड करता है। उसके बाद डीसी आउटपुट जो होता है वो 600 वोल्ट्स का होता है जो कि क्या होता है 3 से 4 मिली सेकेंड के लिए होता है। तो इसके ऊपर एक रेगुलेशन भी है कि कोई भी एक्सप्लोरर जो है 4 मिली सेकेंड से ऊपर टाइमिंग के ऊपर चार्ज को नहीं देगा, मतलब कि टाइमिंग लिमिट जो है वो टाइम लिमिट क्या है 4 मिली सेकेंड ही है, इसके ऊपर में टाइम नहीं लगना चाहिए, मतलब कि इसके आगे टाइम पे चार्ज नहीं मिलना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। द एक्सप्लोरर यूजेस ओनली 1P2776 एवरीडी बैटरी, ठीक है 2P1P मतलब बोलेगा या फिर ट्रिपल ए बैटरी भी यूज किया जाता है, बहुत सारे टाइप्स ही होते हैं। एंड राइनो एक्सप्लोरर आर परमिटेड ओनली इन द डिग्री 1 और 2, राइनो एक्सप्लोरर जो हमारा क्या है डिग्री 1 और 2 में क्या होता है यूज होता है ओनली माइंस में। और इसमें जो हमारा जो यूज की चीज़ है पहला क्या टर्मिनल जिससे हम लोग कनेक्ट करते हैं अब जो हमारा टर्मिनल डेटोनेटर्स को, नियोन लैंप है जो क्या करता है हमारा वो बताता है कि वो चार्ज हो चुका है, और तीसरा की जो हमारा फायर करने में मदद करता है की, ठीक है। तो ये रहा राइनो एक्सप्लोरर, चलिए आगे अब नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा कंडेंसर डायनमो एक्सप्लोरर, दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द नरेंद्र एंड कंपनीज एंड दिस मशीन इज सूटेबल फॉर द ऑपरेशन इन प्लेस वेयर द इन्फ्लेमेबल गैस डज नॉट कंस्टिट्यूट अ हजार्ड, मतलब कि जहाँ पे एक इन्फ्लेमेबल गैस जो हमारा क्या है हैजार्डियस नहीं होता वहाँ पे इसको हम लोग उपयोग लाते हैं, ठीक है। दिस टू टाइप्स ऑफ मार्केट, ये मार्केट तीन तरह का होता है, पहला CNT 50 जो 50 डेटोनेटर को एक्सप्लोर कर सकता है, अगला जो है CNT 100 जो कि 100 एक्सप्लोरर को सॉरी डेटोनेटर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और यह CNT 200 फायर्स 200 डेटोनेटर्स इन सीरीज, ये सारे सीरीज में जो डेटोनेटर्स हैं इतने टाइप्स को ये एक्सप्लोर कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, ऑल थ्री आर सूटेबल वेयर द सर्किट रेजिस्टेंस इज 160 ओम, ये जो हमारा तीनों टाइप जो है वो क्या है 160 ओम्स का अगर रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ये काम कर सकता है। सेंटी हंड्रेड एक्सप्लोरर हैज़ आउटपुट वोल्टेज 750 वोल्ट DC, ठीक है ये क्या करता है 750 वोल्ट DC का वोल्टेज क्या करता है देता है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ करंट इम्पल्स लाइन वेरीज फ्रॉम द 5 to 6 मिली सेकेंड, ये क्या करता है 5 to 6 मिली सेकेंड्स के लिए ये क्या करता है यूज किया जाता है। और ये जो हमारा मैक्सिमम अगर ये है तो आउटपुट ये जो बता रहा है ये 5 to 6 मिली सेकेंड, ये हमारा ओपन कास्ट के लिए जहाँ पे फायर का कोई खतरा नहीं हो वहाँ के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ द गॉट ओनली विजुअल नियोन इंडिकेशन, मतलब कि हमारा विजुअल अलार्म जब मतलब कि इंडिकेशन देता है कि चार्ज हुआ है कि नहीं उसमें लगा होता है, नियोन इंडिकेशन लैंप इंडिकेट दैट द एक्सप्लोरर इज रेडी टू फायर एंड ऑपरेट कनेक्टेड टू द शॉर्ट फायरिंग केबल टू द एक्सप्लोरर टर्मिनल एंड प्लेस एंड हैंडल टू अनलॉकिंग द शाफ्ट, अनलॉकिंग शाफ्ट करने के लिए एक हैंडल लगा होता है जस्ट लाइक अ की जैसा कि हर में होता है, एंड रिमाइंड अनटिल द मूनलाइट कम्स, और इसको हम लोग को घुमाना पड़ता है बार बार एक रोटेशन देना पड़ता है जो कि क्या करता है जब तक इसमें मून लाइट नहीं जल जाता, मतलब कि वो नियोन लैंप जो है वो जब तक ग्लो नहीं करने लगता है तब तक इसको हम लोग को रोटेट करना था, और जब तक नियोन लाइट आ जाता मतलब कि क्या हो गया हमारा वो एक्सप्लोरर रेडी हो गया है एक्सप्लोर करने के लिए डिटोनेटर्स को ब्लास्ट करने के लिए। तो चलिए आगे देखिए, अब आगे हैं हम लोग जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, द एक्सप्लोरर फॉर अंडरग्राउंड कोल माइंस शुड बी इंट्रिंसिकली सेफ, फ्लेम प्रूफ सेफ एंड बोथ अ नन, तो हमारा जो एक्सप्लोरर माइंस में यूज किया था वो किस टाइप का होता है, इंट्रिंसिकली सेफ होता है या फिर FFLP होता है वो बताना है। तो हमारा जो होता है वो क्या होता है इंट्रिंसिकली सेफ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको ध्यान में रखेंगे, इंट्रिंसिकली सेफ होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो रेगुलेशन से क्वेश्चन है कि सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू बी अ शॉर्ट फायरर, शॉर्ट फायरर होने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है यार, क्यों कौन सा सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए किसी भी कंप्लेंट पर्सन को। तो हमारा जो ऑप्शन है ए मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर, बी है ओपरमैन सर्टिफिकेट होल्डर, सी है सरदार सर्टिफिकेट होल्डर, और डी है एनी वन ऑफ देम ABC यानी कि तीनों में से कोई, और ई है नन। तो हमारा जो सही उत्तर होगा जो आंसर है वो है एनी वन ऑफ देम, मतलब कि तीनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट होगा तो वो शॉर्ट फायरर बन सकता है,
उसका चार्ज को ले सकता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच एक्सप्लोरर कंसिस्ट इन सेल ऑफ द परमानेंट स्टील मैग्नेट, मतलब कि किस एक्सप्लोरर में परमानेंट स्टील मैग्नेट्स होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है डायनमो एक्सप्लोरर, बी है बैटरी कंडेंसर एक्सप्लोरर, सी है कंडेंसर डायनमो। तो सही उत्तर जो हमारा है वो है डायनमो एक्सप्लोरर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसका पूरा नाम क्या है, मैग्नेटो डायनमो एक्सप्लोरर, मैग्नेटो एक्सप्लोरर या फिर डायनमो एक्सप्लोरर इसका नाम है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा आउटपुट वोल्टेज ऑफ राइनो 25 एक्सप्लोरर, राइनो 25 एक्सप्लोरर जो है उसमें जो आउटपुट वोल्टेज कितना होता है। तो ऑप्शन है आपके AC 300 वोल्ट, बी DC 300 वोल्ट, सी AC 600 वोल्ट, डी DC 600 वोल्ट। तो ऑप्शन आपका जो है, सही उत्तर जो है आपका वो क्या है, ऑप्शन डी 600 वोल्ट DC में। हमेशा याद रखेंगे कि वोल्टेज जो अंडरग्राउंड में यूज होता है मैक्सिमम DC ही होता है, AC नहीं होता है। तो इसको ध्यान में हमेशा रखेंगे, मतलब एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, द की ऑफ द एक्सप्लोरर ऑलवेज विथ, जो की होता है एक्सप्लोरर का वो किसके साथ में होता है। ऑप्शन ए शॉर्ट फायर के साथ में, ऑप्शन बी ओवरमैन के साथ में, ऑप्शन सी हेल्पर के साथ में, ऑप्शन डी जो है एक्सप्लोसिव कैरियर के साथ में। तो आपका सही उत्तर जो है वो क्या है, शॉर्ट फायर, ऑप्शन ए शॉर्ट फायर के साथ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे कि की जो होता है एक्सप्लोरर का किसके साथ में रखा जाता है, कौन रखता है अपने साथ में। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है, शॉर्ट फायर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर करेंट सप्लाई बाय द एक्सप्लोरर टू द डेटोनेटर। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए एक्सप्लोरर जो है डेटोनेटर को करंट सप्लाई करेगा वो कितना टाइमिंग होता है। तो मैंने जस्ट ऊपर में अभी डिस्कस किया, तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 सेकेंड, ऑप्शन बी 4 मिली सेकेंड, सी ऑप्शन सी 10 मिली सेकेंड, ऑप्शन डी 10 सेकेंड्स। तो सही उत्तर जो है आपका वो क्या है, ऑप्शन बी 4 मिली सेकेंड। तो ध्यान रखेंगे हमेशा मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है 4 मिली सेकेंड ही होता है किसी भी एक्सप्लोरर को डिस्चार्ज होने के लिए, करंट प्रोवाइड करने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, क्वेश्चन 7, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट गिवन बाय द सर्किट टेस्टर फॉर द कंटिन्यूटी टेस्ट। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने मैक्सिमम जो करंट प्रोवाइड किया जाता है किसी भी सर्किट टेस्टर के द्वारा, अभी भी जो मैक्सिमम जो एक्सप्लोरर यूज किए जाते हैं वो अभी सर्किट टेस्टर के साथ में आता है, और कोई कोई एक्सप्लोरर जो है सर्किट टेस्टर के साथ में नहीं आता है। तो उसके लिए कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए सर्किट टेस्टर अलग से एक डिवाइस होता है, किसी भी जो हम लोग होल लगाते हैं चार्ज करते हैं उसका कनेक्शन जो करते हैं तो इसके लिए यूज किया जाता है। तो सर्किट टेस्टर का मैक्सिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए वो पूछा जा रहा है। तो सही ऑप्शन जो मतलब कि ऑप्शन जो हमारे हैं वो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 50 मिली एम्पीयर, ऑप्शन बी 150 मिली एम्पीयर, ऑप्शन सी 180 मिली एम्पीयर, ऑप्शन डी नन। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, तो सही उत्तर जो है आपका 50 मिली एम्पीयर। तो उसको ध्यान रखेंगे किसी भी सर्किट टेस्टर के द्वारा कंटिन्यू टेस्ट के लिए 50 मिली एम्पीयर से ज़्यादा वो प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट इज द नो फायर करेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। जो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर होता है उसका नो फायर करंट कितना होता है, यानी कि कितना वोल्टेज सप्लाई करने के बाद उसके अंदर में अगर सप्लाई करेंगे तो वो डेटोनेटर ब्लास्ट नहीं करेगा, एक्सप्लोड नहीं करेगा। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए 50 मिली एम्पीयर, ऑप्शन बी 150 मिली एम्पीयर, ऑप्शन सी 180 मिली एम्पीयर और ऑप्शन डी नन। तो आपका सही उत्तर जो है वह क्या है, 180 मिली एम्पीयर। 180 मिली एम्पीयर सप्लाई करने के तक उतना वोल्टेज अगर या फिर करंट उसको मिलेगा तो वो एक्सप्लोड कोई भी नहीं करता, कोई भी डेटोनेटर एक्सप्लोड नहीं करता है। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन जो हमारा, व्हाट इज द नो फायर टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर। मतलब कि नो फायर टाइम भी होता है, जैसे कि नो फायर करंट है उसी तरह से नो फायर टाइम है। तो नो फायर टाइम कितना भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर को होता है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन आपके जो है, ऑप्शन ए 150 मिली सेकेंड, ऑप्शन बी जो है 200 मिली सेकेंड, ऑप्शन सी जो है 150 मिली सेकेंड और ऑप्शन डी जो है 300 मिली सेकेंड। ऑप्शन ए जो है 150 सेकेंड्स है। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो क्या है, ऑप्शन डी 300 मिली सेकेंड। इसको ध्यान रखेंगे, ये दो क्वेश्चन जो ऊपर मैंने डिस्कस किया, नो फायर टाइम और नो फायर करेंट, इसको अपने दिमाग में अच्छे से रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी आपके आने वाले एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ ये सारे टॉपिक्स और ये जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।